एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शुरुआत करते हैं फ्रंट पेज से। पर्रिकर डाउनप्लेड कंसर्न्स ऑफ ऑफिशियल्स फाइल नोटिंग शोज। जैसा कि हमने कल देखा था, राफेल की बातचीत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ की दखल अंदाजी का एक नया सबूत मिला था डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के एक फाइल नोट के रूप में। द हिंदू ने इस बारे में रिपोर्ट की थी कि रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने इस मुद्दे को उठाया था कि फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ पीएमओ की सीधी बातचीत से ऑफिशियल वार्ता टीम की स्थिति दुर्बल हो गई थी। ये बात उस फाइल में नोट की गई थी। इसी मुद्दे से संबंधित एक और खबर है, सेंटर्स नोट टू सुप्रीम कोर्ट साइलेंट ऑन पीएमओ रोल इन राफेल। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सरकारी नोट में पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा की गई समानांतर बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। इस नोट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि पीएमओ द्वारा फ्रेंच रक्षा मंत्री के डिप्लोमेटिक एडवाइजर से 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील के लिए समानांतर वार्ता की जा रही थी, जबकि भारतीय वार्ता टीम ऑलरेडी इस मामले में फ्रेंच से बातचीत कर रही थी। ये नोट इस मुद्दे पर भी खामोश है कि अगर फ्रेंच सरकार के साथ ये डील गलत चली जाती है तो सोवरन गारंटी किसकी होगी। अगली खबर है, एनएसएस लैबडॉन 2 इन एमपी फॉर इलीगल काउ ट्रांसपोर्ट। मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले में प्राधिकारियों ने दो आदमियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए एक्ट के अंतर्गत बुक कर लिया है, क्योंकि वे कथित तौर पर सार्वजनिक शांति को बाधित करते हुए गैर कानूनी तरीके से पशु को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। महबूब खान उज्जैन के लंबी खेड़ा के निवासी और रोदुमल मालवा अगर मालवा के निवासी, इन दोनों को पुलिस ने इन मामले में अरेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट्स डिविजनल स्टेटस टू लद्दाख। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लद्दाख को एक डिविजनल स्टेटस प्रदान किया है। इस प्रकार इस राज्य में 3 प्रशासनिक इकाइयां हो गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले लद्दाख कश्मीर डिवीजन का एक हिस्सा था। इस कदम के बाद 15,948 स्क्वायर किलोमीटर के साथ कश्मीर की वादी भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही छोटा डिवीजन रह गया है। वहीं जम्मू डिवीजन है 26,293 स्क्वायर किलोमीटर और लद्दाख जो अब सबसे बड़ा डिवीजन बन चुका है वो है 96,909 स्क्वायर किलोमीटर। और अब लद्दाख को उसका खुद का डिविजनल कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिया जाएगा। नेक्स्ट इज, 7 गेट लाइफ टर्म इन मुजफ्फरनगर राइट्स केस। दो लोगों को मारने के जुर्म में कोर्ट ने यहाँ 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये माना जाता है कि इस घटना की वजह से 2013 में यूपी में मुजफ्फरनगर दंगों की शुरुआत हुई थी जिसमें 60 लोग मारे गए थे। साथ ही साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हिमांशु भटनागर ने हर जुर्म पर 2,12,000 का फाइन भी लगाया है। ये 7 अभियुक्त है मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जिनांगीर, अफजल और इकबाल, जिन्होंने 27 अगस्त 2013 को गौरव और सचिन की हत्या की थी और दंगे किए थे। अगली खबर है, स्टार्टअप्स टू बी लिस्टेड फॉर एंजल टैक्स एग्जेम्पशन। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ऐसी लिस्ट बनाने के लिए राजी हुए हैं जिसमें पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर ऐसे स्टार्टअप्स का नाम होगा एंजल टैक्स छूट के लिए योग्य है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो अधिकतम लिमिट है जिसके नीचे एक फर्म एंजल टैक्स की छूट पाने के लिए योग्य होगा उसे 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू ओनर ऑफ मेघालय कोल माइन। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के कोयला खान के स्वामी को नोटिस भेजा है जहां 15 लोग तकरीबन 2 महीनों तक फंसे रह गए थे।
ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि ये व्यक्ति इस गैर कानूनी खनन के लिए जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। इतना ही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के एक सदस्य का ये भी कहना है कि मेघालय की कोयला खानों में बच्चों को भी कार्यरत किया जा रहा है, उन्हें भी नियुक्त किया जा रहा है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये चीज 4 साल पहले ही बैन कर दी गई थी। नेक्स्ट इज वेट इंस्टीट्यूट एम्बुलेंसेस मूटेड इन 98 करोड़ लाइफ कंजर्वेशन प्लान। 3 महीने बाद जब गुजरात में 20 शेर एक वायरस का शिकार होकर मर गए, तब केंद्र और गुजरात की सरकार ने 97.85 करोड़ रुपए का एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस परियोजना के अंतर्गत पशु पशु चिकित्सा संस्थान, लाइन एम्बुलेंसेस और वैक्सीन्स यानी टीकों का बैकअप स्टॉक रखा जाएगा। पशु चिकित्सा संस्थान और लायन एम्बुलेंसेस के अलावा वहां और ज्यादा पानी के स्टॉक भी दिए जाएंगे और पर एक GPS बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। अगर हम शेरों की कुल संख्या पर एक नजर डालें तो 2001 में ये संख्या थी 327, 2005 में ये बढ़ के 359 हो गई, 2010 में शेरों की संख्या थी 411 और 2015 में 523। आइए देखें अब गुजरात राज्य में शेरों का निवास स्थान कहाँ और कितना है। गिर सेंचुरी जो कि 1,153 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। फिर आता है गिर नेशनल पार्क जो कि 258 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। फिर गिरनार सेंचुरी जो कि 178.80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। पानिया सेंचुरी 39.64 स्क्वायर किलोमीटर और मितियाला सेंचुरी 18.22 स्क्वायर किलोमीटर। कुल क्षेत्र जो कि शेर के निवास स्थान के अंतर्गत आता है वो है 1,648.78 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज एवलैंश किल्स 7 इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगाम। एवलैंश यानी हिमस्खलन की वजह से जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में 7 लोगों की मौत हो गई। ये एवलैंश जवाहर टनल के पास एक इंस्टॉलेशन एक स्थापना से जाकर टकराया जहां पे 10 लोग थे। इसके बाद उन्हें निकालने के लिए एक 18 घंटे का ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 7 लोग मृत पाए गए। उन 7 में से 5 पुलिस अधिकारी थे और 2 कथित तौर पर मुजरिम। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट टेल्स मायावती टू पे फॉर स्टैच्यूज। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती को अपनी राय देते हुए ये कहा है कि लखनऊ और नोएडा के पब्लिक पार्क्स में जो उन्होंने खुद के और उनकी पार्टी के चिन्ह जो कि हाथी है उसकी मूर्तियां खड़ी करने पे जितना भी खर्चा हुआ है वो उन्हें सरकारी खजाने में फिर से लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील रवि कांत ने 2009 में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने बताया है इस कार्य के लिए 2008-09 और 2009-10 में राज्य के बजट से तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर रोक लगाने से मना कर दिया है जिसमें अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस कानून की चुनौती की जल्द सुनवाई के लिए राजी हो गई है। आते हैं आज की आखिरी खबर पे। यूएस में एंड जीरो टैरिफ्स फॉर इंडिया। भारत यूएस व्यापार रियायतों यूएस ट्रेड कंसेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है जिसके अंतर्गत जीरो टैरिफ पे भारत यूनाइटेड स्टेट्स को तकरीबन 5.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने एक कसम खाई है कि वो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ यूएस का घाटा कम कर देंगे जिसमें भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP स्कीम से निकालने का कदम भी हो सकता है। इस स्कीम का भारत दुनिया में सबसे बड़ा लाभार्थी है जिससे
भारत सन 1970 से लाभ अर्जित कर रहे हैं, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये यूएस की भारत के खिलाफ सबसे मजबूत दंडात्मक कार्रवाई होगी जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बने, सॉरी राष्ट्रपति बने। इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।